हेलो एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सही होंगे। दो तीन दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो बहुत बिजी था क्योंकि मेरे को एक्चुअली अपना रूम भी शिफ्ट करना था। मैंने अपना रूम शिफ्ट कर लिया, नई जगह आ गया हूँ। जैसे मैं जो लोग तो मुझे जिनको पता था, मैं पहले बता चुका था कि मैं पहले मरसस्कारा में था, अब मैं जैतून में आ गया हूँ। और रेट भी ठीक है, अफोर्डेबल प्राइस है जहाँ भी आया हूँ मैं, और सही है यहाँ पे हिसाब किताब। क्योंकि मैं जो मेरा जो वर्क लोकेशन है, मैं इधर ही काम करता हूँ, तो मैं अपने घर से ही 3-4 बार तो इसी रास्ते से मैं गुजरता रहता हूँ। तो कुछ काम कुम हो गया, कुछ थकावट हो गई, तो बंदा जब मर्जी यहाँ पे रह सकता है, आ सकता है इजीली। उधर मुझे दूर पड़ता था और जा ही नहीं पाता था मैं जल्दी उधर, उसके लिए मुझे स्पेशली फिर काम को ऑफ करके मुझे जाना पड़ता था, अगर मुझे कुछ काम कुम पड़ गया तो। बात करूँगा मैं इंटरव्यू की रिगार्डिंग में, सिक्योरिटी के इंटरव्यू की रिगार्डिंग में। मैसेजेज आ रहे थे कि सिक्योरिटी के इंटरव्यू के लिए एक वीडियो बना दो, मुझे बना दो हमारे लिए। 3-4 लड़कों के मैसेज आए थे। तो माल्टा में अगर आप देखोगे तो सिक्योरिटी इतनी नहीं है जितनी आप सोच रहे होगे कि सिक्योरिटी की जॉब मिल जाएगी। बहुत कम यहाँ पर सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी तो की इंटरव्यू तो हर जगह एक ही होती है, चाहे आप किसी भी कंट्री के लिए ट्राई करो, चाहे आप इंडिया के लिए देखो, चाहे आप नेपाल के लिए देखो, चाहे आप दुबई के लिए देखो। ज़्यादातर जो इंटरव्यू होती है वो दुबई के लिए होती है। और सबसे पहले बात करूँगा कि कंपनीज दुबई में कौन कौन सी बेस्ट हैं। नंबर वन पे मैं कहूँगा ट्रांसगार्ड कंपनी है जो सबसे बेस्ट है, जहाँ मैंने 7 ईयर काम किए हैं ट्रांसगार्ड में। ट्रांसगार्ड की खासियत ये है कि जो आपकी जो सैलरी है, जैसे सिक्योरिटी की जो सैलरी आती है 15 को आती है, 15 को आपको सैलरी आ ही जाएगी एनी हाउ। अगर उस दिन अगर 15 को अगर पब्लिक हॉलीडे है तो आपकी सैलरी 14 को आ जाएगी। बेस्ट यही है, क्योंकि हम लोग अगर फॉरेन में जा रहे हैं तो हमको हमको मेन मतलब होता है पैसे से, कि हमको टाइम पे मिल जाए। तो ये है। सेकंड नंबर पे मैं कंसिडर करूँगा अरकान को। अरकान एंड स्पार्क दोनों को अब मैं बराबर ही मानता हूँ। मैं सेकंड में आप मान के चलो स्पार्क, स्पार्क बेस्ट, क्योंकि स्पार्क में आपको ओटी भी देती है स्पार्क, लेकिन अरकान आपको ओटी देती नहीं है। अरकान आपको देती है 26 दिन की ड्यूटी देती है, और जिसमें से आपको 2262 दरम आपको सैलरी मिलती है। ट्रांसगार्ड देती है 2260, मतलब 5 दरम एक्स्ट्रा देती है आपको अरकान, और ओवरटाइम भी देती है ट्रांसगार्ड। और तीन कंपनी ये होगी। चौथी के लिए मैं आपको कंसिडर करूँगा G4S। G4S भी सही है। और ये कंपनियाँ जो मैंने आपको बताई हैं, इन कंपनियों में अगर आप जाते हो तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी वहाँ जाके कि काम मिलेगा नहीं मिलेगा, काम आपको मिलेगा। और ये कंपनी बहुत अच्छी है। हाइट की बात करूँ तो 5'8" इनका क्राइटेरिया है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 5'7" मिनिमम ले भी लें। और इंटरव्यू जो सबसे जो टफ इंटरव्यू होती है वो ट्रांसगार्ड की होती है। पहले वो थ्योरी वाली होती है, क्वेश्चन आंसर होंगे आपके पास, ठीक है, यस नो का भी होगा, और आपको पैराग्राफ भी होता है दुबई के बारे में, आपको पैराग्राफ लिखना होता है, क्यों जाना चाहते हो उसके बारे में लिखना होता है। ये सारा 50 मार्क का होता है। उसके बाद जो फाइनल इंटरव्यू आपकी होती है, अगर आपने 50 में से अगर आपके अबव 35 अगर आपके सही हैं तो आपको फिर फाइनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। मतलब उसी दिन ही होगा, ये नहीं कि आपको नेक्स्ट डे आपको बुलाया जाएगा, ऐसा नहीं होगा, उसी दिन ही आपका इंटरव्यू हो जाएगा जो भी डेलीगेशन आया होगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक ही बंदा बैठा हो इंटरव्यू लेने वाला, कभी कभी दो भी होते हैं, तो दोनों बारी बारी पूछते हैं आपसे। सबसे पहले पूछते हैं व्हाट इज सिक्योरिटी। आपको पहले सिक्योरिटी का मतलब होना पता होना चाहिए, सब सिक्योरिटी क्या है। या सबसे पहले आपको यही पूछ सकते हैं, एक बंदे से पूछा गया था हाउ ओल्ड आर यू, अब उसको पता नहीं था, वो रट के गया था कि व्हाट इज़ योर एज, ठीक है, ये रट के गया था। अगले ने पूछ लिया हाउ ओल्ड आर यू, अब उसको पता नहीं है, बाहर आके मुझसे पूछता है कि उसने मुझे पूछा हाउ ओल्ड आर यू, तो मैं कहा एज है, तो इसी से उसको निकाल दिया। कहता है कि जब उसको बेसिक ही क्वेश्चन नहीं पता, आगे इंटरव्यू उसकी कैसे लेंगे, ठीक है। तो आप रट्टा मत मार के जाओ, एग्जाम करके जाओ कि क्या क्या पूछेंगे उसके हिसाब से आप करके जाओ। आप व्हाट इज सिक्योरिटी। गला मेरा ख़राब है, पानी बहुत बारिश हुई, 2 दिन से बारिश हो रही, कल भी बारिश हो रही, अब भी बारिश हो रही है, और मैंने कोल्ड ड्रिंक बहुत पी लिया जिसकी वजह से मेरा गला थोड़ा सा ख़राब मुझे लग रहा है। व्हाट इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का सबसे आपने नॉर्मल आंसर देना है, सिक्योरिटी मीन्स प्रोवाइड अ सेफ एनवायरनमेंट फॉर अ पीपल अ कंपनी अ गुड्स। सिक्योरिटी इज नेसेसरी बिकॉज इट मेड कम्फर्ट एवरीबॉडी। नॉर्मल क्वेश्चन, नॉर्मल आंसर है, इसमें कोई तगड़ा तुगड़ा लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। तो सिक्योरिटी के बाद
आपसे वो पूछेंगे कि वाई यू चूज दुबई और वाई यू वॉन्ट टू गो दुबई। आपने सीधा बोलना है आई वॉन्ट टू गो टू दुबई टू सपोर्ट टू माई फैमिली फॉर फाइनेंशियल। आपने इतना बोल देना है। एंड वट इज़ योर प्लानिंग, वट इज़ योर फ्यूचर प्लानिंग के लिए आप अगर आपसे पूछते हैं, ये भी पूछ लेते हैं, तो आपने उनको सीधा ये बोलना है माई फ्यूचर प्लानिंग इज़ आई हैव टू वर्क इन दुबई ऑलमोस्ट 5 to 6 years, आफ्टर दैट आई विल कम बैक टू माई होम कंट्री एंड आई विल स्टार्ट एनी न्यू बिजनेस। ऐसे बोल सकते हो आप। अगर आपके पास कोई बिजनेस है आपके पास तो आप वो बता सकते हो, अगर नहीं है आपके पास कोई बिजनेस तो आप बोल सकते हो कोई भी नया बिजनेस करूँगा मैं पैसे कमाने के बाद। तो उसके बाद पूछेंगे आपसे, लास्ट में जो पूछते होते हैं वो हमेशा वो पूछेंगे टेल मी अबाउट योर सेल्फ। और ये तो पूछेंगे पूछेंगे आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था टेल मी अबाउट योर सेल्फ में आपने अपनी पूरी फैमिली का नहीं बताना होता, सिर्फ आपने अपने बारे में बताना होता है, आपका जो नाम है। तो ये नहीं कि आपके दो बच्चे हैं, बीवी है, वो हाउस वाइफ है, पापा वो करते हैं, मम्मी वो काम करती हैं। दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू लिसन योर फैमिली कि आपकी फैमिली क्या कर रही है। आप उन्होंने सिर्फ आपको हायर करना है और आपके बारे में जानना है। अगर वो पूछ लेती हैं आपकी फैमिली में से किसी मेंबर के बारे में, देन आपने उसको रिप्लाई करना है, अदरवाइज रिप्लाई मत करना उसको, क्योंकि उनके पास ना टाइम भी नहीं होता। पहली बात तो आपसे 2 या 3 मिनट जब आपसे बात करेंगे उसी टाइम पे आपको जज कर लेंगे कि बंदा किस काबिल है, इसकी इंग्लिश कैसी है। अगर वो ट्रिकी क्वेश्चन पुट कर लेते हैं कि इफ यू आर वर्किंग ऑन द पार्किंग जोन इन अ सिक्योरिटी, इफ वन गाय इज वेरी एंग्री एंड ही केम टू यू एंड ही ट्राई टू हिट यू, वट यू विल डू? तो आप क्या करोगे उस कंडीशन में? आप उसको तो मार भी नहीं सकते हो, ठीक है, मार तो नहीं सकते उसको, क्योंकि दुबई में तो सिक्योरिटी को अलाउड ही नहीं है किसी पे हाथ उठाना। वहाँ पे सबसे बेस्ट है आप अपने आप को बचा करोगे और आप अपने सीनियर को फ़ोन करोगे सैड में होके या थोड़ा सा उससे डिस्टेंस पे जाके। तो ये होती है इंटरव्यू की प्रिपरेशन सिक्योरिटी की। मैंने कंपनी भी बता दी है आपको, अगर इन कंपनियों के लिए आप जा रहे हो आपको किसी चीज़ के लिए वरीड करने की ज़रूरत नहीं है। बेस्ट कंपनीज हैं ये और सैलरी आपको टाइम पे मिलेगी। अकोमोडेशन कंपनी प्रोवाइड करती है, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी प्रोवाइड करती है। फूड आपको किस कंडीशन में मिलेगा? अगर आप बहुत लकी हो, अगर आपकी ड्यूटी लग जाती है होटल में, होटल में अगर आपकी जॉब लग गई तो फिर आपको फूड पूरा मिलेगा, तीनों टाइम का खाना मिलेगा आपको, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट मिलेगा, लंच एंड डिनर। जब छुट्टी होने वाली होगी आपकी तो आधे घंटे पहले आप खा के आ सकते हो, क्योंकि मैंने 3 4 दिन मैंने होटल में काम किया, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, और मेरे यार दोस्त भी थे जो होटल में थे। अगर आपकी जॉब लगती है मॉल में तो मॉल में तो फिर खाना नहीं मिलेगा। जो लोग सबसे बेस्ट चाहते हैं, जिनको खाने से मतलब होता नहीं, वो चाहते हैं बैंक की जॉब। बैंक की जॉब लग गई तो बल्ले बल्ले, क्योंकि 4 बजे बैंक बंद हो जाता है और सैलरी पूरी आनी होती है। वहाँ पे ये होता नहीं है कि घंटे के हिसाब से पैसा मिलेगा जैसे यूरोप में मिलता है। वहाँ पे तो सैलरी आपकी फिक्स होगी, चाहे चाहे जिसने आपको हायर किया हुआ है किसी बैंक ने, चाहे आपसे 2 घंटे काम कराए चाहे 10 घंटे काम कराए, जो 2262 सैलरी है आपको मिल ही मिलेगी। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच।